नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आज मैं मित्रों आपको एक बहुत ही ताकतवर सब्जी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो नेचुरली पैदा होती है और लगभग हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में जो मानसून का समय होता है, जो बारिश का समय होता है उसमें। तो आप जैसा कि मेरे पीछे ये जो बेल देख रहे हैं, ये इस सब्जी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये कंटोला की बेल है। कंटोला हिंदी में कहते हैं, हालांकि हमारे मारवाड़ी भाषा में कंकेड़ा कहते हैं, कहीं किकोड़ा बोलते हैं, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम है वो टीजल गॉर्ड भी बोलते हैं और स्पाइनी गॉर्ड भी बोलते हैं। तो इस सब्जी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मित्रों आप देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये जो कंटोला की बेल होती है वो कुछ ऐसी होती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं सामने ये कच्चे थोड़े लगे भी है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और इस साइड में जैसे फूल आए हुए हैं तो अभी लग रहे हैं। तो मित्रों जो ये सब्जी है ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही होती है। जब मानसून का समय होता है तो लगभग श्रावण मास खत्म में या भाद्रपद में ये बाज़ारों में भी देखी जा सकती है, और ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी है। क्यों? इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और प्रोटीन, मतलब रिच प्रोटीन है ये। कई बार जैसे जो लोग मांसाहारी है वो ये दावा करते हैं कि मीट से उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, इसलिए वो मीट का कंजप्शन करते हैं। तो मित्रों मैं बता दूँ, जो ये सब्जी है इसमें जो मीट से, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि मीट से 50 गुना ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इसमें पाई जाती है। और ये जो सब्जी है, पहले के टाइम में क्या होती थी, खेत की मेड़ों पर, जो बाड़ों पर होती थी, लेकिन आजकल क्या बाड़ की जगह तारबंदी हो गई है, तो ये तारबंदी के ऊपर भी इनकी बेलें जैसे छा जाती है। तो ये एंटी एजिंग एलिमेंट भी है इसमें, जो आपको कम उम्र दिखने में भी फायदा करता है, और आपकी त्वचा के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है, और 100% ऑर्गेनिक सब्जी भी है, क्योंकि ये सब्जी बिल्कुल अपने आप उगती है, इसको कोई बोना नहीं पड़ता, और नहीं इसकी हमारे जो क्षेत्र में है वो खेती की जाती है। हालांकि मैंने ऐसा सुना भी है गुजरात वगैरह कुछ क्षेत्रों में इसकी खेती भी की जाती है, और इसको विदेशों में यूरोपियन मार्केट और अमेरिका में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है, क्योंकि मेरे एक जानने वाले ने बताया कि अमेरिका में भी इसकी सुपरमार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, और लोग इसको बड़े मतलब महंगे दामों पर ख़रीदते हैं। लेकिन जैसे हमारे क्षेत्र में, और ऐसा मेरा मानना है लगभग हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के, ये सब्जी इस समय जो बारिश के समय बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध हो जाती है, 10 से 20 रुपए पाव के हिसाब से, लगभग आप देखेंगे तो 30-40 रुपए किलो से लेके 60-70 रुपए किलो के हिसाब से मैक्सिमम मिल ही जाती है। तो जहाँ कहीं भी ये अगर आपको सब्जी मिले तो ये नेचुरल सब्जी है, 100% ऑर्गेनिक है, तो इसको आप ज़रूर खाएं। और बारिश के मौसम में तो कम से कम इसकी, नहीं तो क्योंकि इसका जो सीज़न होता है वो 1-1.5 महीने का ही होता है, उस सीज़न में आप कम से कम नहीं तो 7-8 बार इसकी सब्जी खाएं। हालांकि जो ये कंटोला होता है पकने के बाद में थोड़ा सा पीला और लाल कलर का हो जाता है, तो उस समय इसकी सब्जी नहीं बनती, उसके बीज पक जाते हैं तो खाया नहीं जाता है। तो ये कच्चा है, जैसे इस साइज और इससे थोड़ी सी हल्की बड़ी साइज का होता है तब ये सब्जी बनाने के लिए एकदम उपयुक्त है। तो आप ज़रूर ये जो 100% ऑर्गेनिक है ये सब्जी आप ज़रूर खाएं। और देखिए मित्रों, जो दोनों साइड में है, मैं आपको यहाँ बता, तो दोनों साइड में जो खेत की मेड़ है, दोनों साइड में आप देखें ये कितनी जो कंटोला की बेलें हैं वो फैली हुई है। तो मित्रों जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बरसात के समय लगभग हर बाड़ और मेड़ों पे, और आजकल जो तारबंदी के ऊपर है, जो कंटोला की बेल है वो फैल जाती है। तो हर क्षेत्र में, लगभग हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में ये मिल जाती है, और इसके जो मित्रों बीज है वो एक्चुअली उनकी जर्मिनेट होने की मात्रा बहुत कम है, लेकिन इसकी जड़ होती है जो हमारे इधर मेड़ों के अंदर रहती है, और 12 महीने वो जीवित रहती है। जैसे ही बारिश होती है तो वैसे वापस इसकी बेल का रूप धारण कर लेती है और एकदम हरी भरी हो जाती है, और
फल देने लग जाती है। हालांकि बीज आप चाहे तो पके हुए बीज लेके भी जर्मिनेट कर सकते हैं, कि जैसे कि गुजरात वगैरह कुछ क्षेत्रों में इसकी खेती भी होती है, और ऐसा माना जाता है कि ये कैंसर के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम है। मतलब जो एंटी कैंसर एलिमेंट है इसमें बहुत रिच है और उस अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो कैंसर के रोगियों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो ये जानकारी है दुनिया की सबसे ताकतवर सब्जी की, जो कंटोला की, वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपके क्षेत्र में कंटोला को आपकी जो भाषा है उसमें क्या कहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद मित्रों, जय गौ माता।